हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्लॉग नंबर 19 लेकर के आने वाले हैं आज। तो आज हम आए हुए सचिवालय के पास और यहाँ पे एक बंगाली मटन करके है और काफ़ी फेमस है। कल यहाँ पे हम आए थे लेकिन वहाँ पे सारा ख़त्म हो चुका था, जितना भी आइटम था। तो बोले कि सुबह आप आइएगा 9 बजे, तो यहाँ बनना भी स्टार्ट होता है शायद, देखते हैं। शायद हमको लग रहा है बन चुका है, सुबह ही बनता होगा। तो हम 9 बजे यहाँ पर आ चुके हैं और आप लोग को दिखाते हैं अंदर। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो हम उनसे डिटेल जानेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ आ चुके हैं और आपको ये बोलना चाहेंगे कि सुबह से यहाँ पे बन करके रेडी है। तो हमको लगा काफ़ी 9 बजे मतलब स्टार्ट ही हुआ, लेकिन हमको लगा था कल अंकल बोले थे 9 बजे आने। तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ का क्या है और क्या नहीं, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस आपको बता दें, यहाँ पर अभी अंकल बैठे हुए हैं और इनसे अभी बात करते हैं हम लोग और पूछते हैं कब से इनका शॉप वॉप है यहाँ पर। अंकल, ये दुकान कब से चल रहा है यहाँ पे? 40 साल। अच्छा, 40 साल हो गया है। और मतलब आप ये बोल रहे हैं, मतलब जो भी आप मटन बना रहे हैं वो कितने केजी होता है रोज? 60-70। अच्छा, 60-70 केजी रोज यहाँ पे मटन बनाया जाता है और टोटल बिक जाता है? अच्छा, सुबह मतलब कितना बजे से टाइम रहता है? 9 बजे से टाइम रहता है इनका और 2:30 बजे तक ख़त्म भी हो जाता है। बहुत सारे लॉट भी जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्या क्या बनाते हैं अंकल आप? मटन मछली बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं मटन अंकल बनाते हैं। अंकल थोड़ा मटन दिखाइएगा। तो अभी अंकल मटन दिखाएंगे मछली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ भी हैं और अंकल भी काफ़ी बिजी लगते हैं यहाँ पे। और अभी इनसे मटन देखते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो अभी अंकल दिखा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखने में ही अच्छा लग रहा है। और खा करके अभी हम लोग बताएंगे। अभी एक फ्रेंड आ रहा है, उसका वेट कर रहे हो आप। यहाँ पे देख रहे हैं पीस भी सही है और काफी बड़ा है। अंकल कैसे प्लेट देते हैं मटन? 130 उसमें चावल। अच्छा, 130 में आपको मटन रोटी चावल मिलता है और उसका क्वांटिटी? हाँ, 2 पीस मटन रोटी चावल। अच्छा, 2 पीस मटन रोटी चावल आपको मिलेगा। और अंकल मछली दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे अंकल से भी मछली देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अंकल मछली दिखा रहे हैं और अंकल बहुत बिजी है अभी। और देखिए इनसे हम टाइम बहुत निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मटन का मछली का पीस सही है। और आपको और स्टाफ से यहाँ पे हम बात करते हैं फिर आपको हम। तो देखिए यहाँ पे भैया अभी प्याज कट कर रहे हैं और भैया से भी बात करते हैं। भैया आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? 25 साल से कर रहे हैं। अच्छा देखिए, और ये काटने का भी बहुत फास्ट है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा प्याज काट चुके हैं, अकेले ही काट रहे हैं। और हम लोग से तो घर में 2 प्याज भी नहीं कट पाता है। और भैया यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्याज भी काट ले रहे हैं और 25 साल से है। तो यहाँ पे आपको आना है तो यहाँ पे आए। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, तो आप आकर के यहाँ पे मटन ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी उसका टेस्ट बढ़िया है। और आपको दिखाना चाहेंगे इस साइड में, आप देख लीजिए कितना सारा प्याज अभी काटा जा रहा है। इतना जो हम लोग शादी वगैरह रहता है तब काटा करते हैं हम लोग प्याज यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारे लोग बिजी हैं। और इधर देख लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगा है, देख लीजिए। अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी भैया से हम बात करते हैं और अभी यहाँ पे खा रहे हैं। अभी भैया आप कितने दिन से यहाँ पे खा रहे हैं? 4 दिन से खा रहे हैं, 7-8 साल से। देखिए भैया यहाँ 7-8 साल से खा रहे हैं। और मतलब कितना वीक में कितना दिन हो जाता है आपका? वही संडे शुक्रवार, बस 2 दिन। अच्छा, और आप भैया कैसा टेस्ट है? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। और आप बता दीजिए टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का। अच्छा, और काफ़ी मतलब पेट वेट भर जाता है जो भी सारा चीज़। चलिए तो आगे और हम बात करते हैं और से। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, स्किप मत कीजिएगा। और देखिए आप सारे लोग बैठे हुए, तो देखिए आप यहाँ अंकल से भी बात कर रहे हैं। अंकल अभी रोटी और मटन लिए हुए हैं। अंकल आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे खाने? अच्छा, बहुत दिन मतलब, फिर भी 15 साल से खा रहे हैं यहाँ पे अंकल। तो आप समझ जाइए कितना टेस्ट मतलब एक ही। और कैसा लगता है इनका मटन? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो वीक में कितना दिन खा लेते हैं आप यहाँ पे, मतलब सप्ताह में कितने दिन खा लेते हैं? 4 दिन। 4 दिन बताइए यहाँ पे भैया, 4 दिन सप्ताह में खा ही लेते हैं और काफ़ी टेस्ट अच्छा बताए। और चलिए अभी आगे हम और किसी से बात करते हैं।
लगता है 15 साल पहले से खा रहा हूँ, जबकि दादा की दुकान उस तरफ रोड के हो रखा थी। दादा याद है ना आपका दुकान उस तरफ तो था, अभी से खा रहे बचपन से, मतलब समझिए 15-16 साल से। अच्छा, जादे होगा इनका। अरे मतलब काफी टेस्ट रहता है इनका। हाँ तभी तो अच्छा खाना पता है। अच्छा चलिए अंकल से बात कर लिए हैं, और आगे हम और किसी से बात करते हैं तो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेट लगाया जा रहा है, और आप अपने लिए भी अभी प्लेट लगवाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पे अभी हम प्लेट लगवाएंगे अंकल से। अंकल हाँ, हमारे लिए एक प्लेट लगा दीजिएगा मटन चावल, और एक प्लेट ये मछली भी लगा दीजिएगा, ठीक है? और अभी हम दोनों टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लेट लग रहा है, और गुद्दा वाला ही दीजिए, और गुद्दा वाला हमको ज़्यादा पसंद है। और अभी हमारे लिए प्लेट लग रहा है, जो पसंद वही, और टेस्ट करके हम बताएंगे। और अंकल बोल रहे हैं कि जो आपको खाना है वो आपको मिलेगा, जो चॉइस वही मिल जाता है। हाँ, खड़े चॉइस यहाँ बोलते हैं। हाँ, कौन चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी लग रहा है हमारे लिए प्लेट, और फिर हमको आपको दिखाते हैं मछली लगेगा हमारे लिए। और इधर हमारे लिए अभी मछली निकल रहा है एक प्लेट। रोटी दूसरे जगह लगा, यहाँ पे देखिए पानी लगा ना। और आपको बता दें कि इस साइड मटन और मछली निकाला जाता है, और उस साइड से चावल रोटी आता है, और उधर से भी हमारे लिए रोटी आएगा, और यहाँ पे भी लग रहा है। तो अभी यहाँ हमारे साथ गुंजन भी आया हुआ है, और अभी देख प्लेट लग रहा है और आपको दिखाना चाहेंगे। और पीस भी काफ़ी बड़ा है, ये नहीं कि छोटा पीस है, और पीस भी बड़ा ही है, और 130 रुपए के हिसाब से काफ़ी सस्ता है, वो भी पटना में। दो पीस मटन, हाँ दो पीस मटन 130 में, और रोटी भी मिलेगा आपको, और अच्छा चावल भी अनलिमिटेड रहता है अंकल। पेट भर ही जाता अच्छा, है। अच्छा उसमें पेट भर जाता है, उतना दे ही देता है अंकल। हाँ, और लेना नहीं पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ देखिए, हम देखिए काफ़ी, आप जैसा पीस मांगेंगे आपको वैसा मिलेगा पसंद से। और आप देखिए इधर कस्टमर आना चालू हो गया, अभी सुबह के 9 भी नहीं बजा है, और 2-3 कस्टमर आ भी गए हैं, तो आप समझ जाइए कितना बनता होगा। 60-70 केजी एक दिन में बनता है मटक। तो यहाँ पे हमारा प्लेट लग चुका है, आप मटन देख सकते हैं, और इधर मछली भी आ गया है, और इसके साथ सैलेड भी है, नींबू भी है, और साल्ट भी दिया जाएगा, और रोटी है, और इसके बाद चावल भी आएगा। तो अभी हम खा करके आपको बता रहे हैं कैसा टेस्ट है। तो गाइस अभी हम मटन खाने वाले हैं, सुबह सुबह अभी बज रहा है 9:30 हो रहा होगा, और मटन खाने हम आए हैं बंगाली मीट ढाबा जो है। और आपको बता दें कि अभी हम फ्राई करने वाले हैं, फिर हम इसके बाद बताएंगे आपको कि कैसा लगा। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और टेस्ट करके हम बताते हैं। तो ये रोटी अभी हम ले रहे हैं, और रोटी भी काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ से हम ट्राई करते हैं, पहले मटन से ट्राई करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। मटन काफ़ी अच्छा है, और बता दें कि मसाला भी इनका सही है, ज़्यादा उनका मतलब नहीं है मसाला, और चंपारण भी तो हमको बेस्ट लग रहा है ये मटन, क्योंकि वहाँ पे चंपारण है उसका, मतलब मसाला में मतलब ज़्यादा उसका स्पाइसी होता है। और अभी हम आपको मछली का टेस्ट करके दिखाएंगे ग्रेवी कैसा है, फिर आपको हम बताते हैं। मतलब सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को टेस्टी मिलेगा, और आप आए सचिवालय के पास और खा सकते हैं मटन या मछली। और तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अभी पास से मटन को, और कितना मतलब ये टेस्ट है आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस अभी मटन खाने वाले हैं, और ये देख सकते हैं नाली वाला पीस है जो हम मटन ले रहे हैं यहाँ से, और इसको अभी दिखा रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब वो भी नहीं है, मतलब टाइट सा दिखे, पूरा सीज चुका है,
पूरा मतलब अच्छे तरीका से ये सीज चुका है। और चलिए हम लोग खाते हैं अभी मटन और मिलते हैं अभी। देखिए गुंजन भी आया हुआ है साथ में खाने, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी खा के हम मिलते हैं आपसे। तो बन रही है, पानी भी पहले से वो करके रखा जाता है और यहाँ पे दिक्कत नहीं, आपको सारा चीज़ अवेलेबल मिलेगा, तो आप यहाँ आएँ और कोई दिक्कत नहीं है। और चापाकल से पानी यहाँ आता है, कोई वो मतलब नल का पानी नहीं है, और चापाकल का पानी है अंकल बता रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पे हाइजीनिक आपको खाने को मिलेगा। हाँ, तो गाइस अभी यहाँ पे मटन खा चुके हैं और यहाँ से अभी हम निकलते हैं हॉस्टल के लिए। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था मटन और मछली भी, और पेट भी फुल हो चुका है। और सुबह ही हम आए थे 8 बजे यहाँ पे, और सुबह सुबह मटन खा लिया और मछली दोनों चीज़, आप समझ रहे होंगे हमारा पेट पूरा फुल हो चुका है। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं हॉस्टल और फिर आपसे मिलते हैं। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और आपके लिए आगे भी ब्लॉग आते रहेगा। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ओके, बाय बाय।